व्यूअर्स, आज मेरा दिन बहुत बिजी गुजरा है। सारा दिन मैंने धूप में गुजारा है और अभी मैं नहा के आई हूँ। ये देखिए बाल मेरे गीले गीले हैं, तो अभी मैंने नहा रही है, मैं फ्रेश हो गई हूँ। पूरे दिन मैंने धूप में काम किया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने ये सारी गंदम जो इधर फैलाई हुई थी ये सारी साफ कर ली। इस छानने से मैंने इसको छान लिया, अच्छे से सारी मिट्टी भी निकाल दी, बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। ये देखें आज मैंने पूरा दिन ये बोरियां भरी हैं और यही मैंने काम किया है। आज ये बोरियां भर ली हैं मैंने और अभी तक मेरा ड्रम इधर ही पड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ से झाड़ू वगैरह तो लगा दिया, फिर मैं इसको अच्छे से वॉश करूंगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। बहुत थकन हो रही है, बहुत ज्यादा थकन हो रही है। आज मैंने पूरा दिन जो है वो धूप में गुजारा है और यही काम करते हुए गुजारा है। तो अब व्यूअर्स मैं कुछ खाऊं पीऊंगी, थोड़ा फ्रेश होंगी, ठंडी चीज़ें खाऊंगी, उसके बाद मैं आके ये सफाई वगैरह करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। आज तक तो हम यही वाला फ़ैन यूज़ करते रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा रात को गर्म हवा लगती है, सुकून नहीं आता, नींद नहीं आती। दूसरा ये जो चोटियाँ थी ये हमें सोने नहीं देती थी, काट काट के खा जाती थी। तो आज हम अपना अरेंजमेंट जो है वो बाहर कूलर वाला करने वाले हैं और साथ में मैं ये सफाई भी करूँगी, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ और फ्रेश हो जाऊँ। मैं खाने लगी हूँ ये फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट खा के फिर उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ा रेस्ट, उसके बाद मैं करूँगी अगला काम। तो बच्चों ने तो अपने वो बर्गर शर्गर ये वो खा लिए हैं, तो मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। व्यूअर्स एक पूरा वीक मैंने ना यहाँ पे धूप में काम किया है और करने के बाद आज मैंने गंदों का काम सारा समेट दिया है। फिर मैंने उसके बाद रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद मैंने कुछ खाया पिया, अब मैंने चाय पी है। चाय पीने के बाद मैं फ्रेश हुई हूँ। फ्रेश होके ना अब मैं करने लगी थी सफाई, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से बातें भी कर लूँ, साथ में सफाई भी कर लूँ। पहले मैंने इसलिए नहीं व्लॉग स्टार्ट किया, मैं तो बिल्कुल भूत बनी हुई थी, मट्टी के साथ मट्टी बनी पड़ी थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो अब मैं कह रही थी कि मैंने कहा व्लॉग में स्टार्ट करती हूँ, तो अब मैं ना यहाँ मैंने कहा वॉश कर लूँ ताकि जरासीम भी खत्म हो जाए, जो इतने वो कीड़े थे। वैसे तो सारे मर गए, खत्म कर दिए मैंने, एक वीक पूरा उनको धूप लगाई है, तो फिर भी अगर कोई इधर उधर छुपा छपा ना हो, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले यहाँ की सफाई भी कर लें, फर्श भी ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे हम कूलर भी लगाते हैं। पहले हमने दूसरा फैन लगाते थे तो बहुत गर्मी लगती है, यकीन मानो इतनी की गर्मी आ गई है ना, एकदम से शदीद गर्मी आ गई। ये जो सहन है यहाँ से आग बरसती है, तो इसलिए फिर मजबूरी बन गई है, जो हमारा रूम वाला था ना कूलर, हमने वो उठा के अब इधर लगा लेना है, तो रात को फिर इधर हम सुकून से सोएंगे। बच्चे रात को सोते नहीं है, इतनी गर्मी लगती है, तो फिर हमें सडन ये सारा कुछ चेंज करना पड़ा, वरना तो हमारा तो उससे भी गुजारा हो जाता, लेकिन अगर इतनी गर्मी शदीद ना होती तो। अब मैं करने लगी थी सफाई, मैंने कहा यहाँ वैसे मैंने झाड़ू वगैरह लफी हो गई है, तो मैंने कहा मैं अब ना ये स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे ना सफाई भी कर लेती हूँ, तो ये ठंडा भी हो जाएगा और मट्टी भी निकल जाएगी। मट्टी ढेरों ढेर मट्टी थी जो गंदम खाई हुई थी ना, उसकी वजह से मैं मोटर चला रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, इससे तो पानी बहुत कम आएगा। मोटर चलाएंगे ना फिर ज्यादा ज्यादा पानी आएगा, तो फिर जल्दी हो जाएगा वॉश, साफ भी हो जाएगा और पानी भी ठंडा होगा, तो फर्श बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। मैंने यहाँ से ढेरों ढेर मट्टी झाड़ू के साथ उठाई है, तो मैं तो खुद भी मट्टी बन गई थी, इसलिए मैंने कहा अब नहीं ब्लॉग बनाते, बाद में बनाएंगे। फिर मैं नहाया है, नहा के साफ सुथरा होके रेस्ट करके खा पी के, तो अब मैंने जी ये काम स्टार्ट किया। अगर कोई जरासीम रह गया तो वो भाग जाएगा, वैसे तो नहीं है, धूप बहुत लगवाई है मैंने और अब जाके सुकून आया मुझे। आज रात को उठ के काटती थी हमें, इतना का तंग किया हुआ था इन्होंने, छुप जाती थी इधर उधर और रात को फिर बच्चों को काटती थी, मुझे भी काटती थी। आज जान छूटी सारा सफाया कर दिया, छत पे रखवा ली है मैंने सारी की सारी, हाफ हाफ तोड़े करके ना मैंने सारी छत पे रखवा ली, क्योंकि पूरा तो मुझसे उठाया नहीं जाता था, फिर मैंने हाफ हाफ करके उठाए हैं। हिम्मत ही नहीं थी मुझ में सफाई करने की, वरना मैं इससे पहले करती। चाय पिए, थोड़ा सा दम आया, तो अब मैंने कहा अब कर लेती। ये देखो ढेरों ढेर मट्टी है अभी,
ये भी हमारे घर के काम है। बच्चा तो मुझे बना ही देते हैं। पानी भर गया ऊपर। अब मैं ना ये चार पहिया जो बिछाऊंगी ना इनको भी अच्छी तरह इनकी मट्टी साफ करूंगी। इन पर भी ढेरों ढेर मट्टी पड़ी हुई है। आज कम तो नहीं मट्टी निकाली मैंने, बहुत मट्टी निकाली है। साफ हो गया मेरा घर। ये आप लोगों के साथ ना मैंने एक बात शेयर करनी थी। मैं सफाई कर लूँ फिर बाद में मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत मुश्किल काम था, मेरा रंग काला हो गया, यकीन नहीं करना आप लोगों ने। मैंने मिरर में देखा तो मेरा रंग काला हुआ पड़ा था। लो जी मैंने कहा देख लो, एक पूरा वीक मैंने धूप में काम किया है। असावर की तबीयत खराब थी तो पहले तो उसको ठंडा पानी नहीं देते थे। अब गर्मी ज्यादा तो मुझे तरस आता, मैंने कहा चलो ठंडा पानी दे देते हैं। बोतल में भी मैं डाल के दे देती थी स्कूल के लिए, तो उसका गला बहुत खराब हो गया। उसको बड़ी मुश्किल से सुलाया अब तो। अब वो सुकून से सोई पड़ी है, काफी टाइम से सोई हुई है। ये देखें भैया मैंने सारा गंद निकालना है आज, बल पड़ गया। आज जब सुकून से सोएंगे हम, सुकून ही खत्म कर दिया था कीड़ों ने रात को, सोने नहीं देते थे इतना तंग करते थे अब से ज्यादा। आज सुकून से सोएंगे हम। ये ना रखते हैं चार पाई ना हिलती है रात को, इसलिए पाए के नीचे रखते हैं। ये वाली चीज एक पाया पता नहीं छोटा बड़ा है तो इस वजह से फिर रखनी पड़ती है नीचे। आज मुझसे ये बोला नहीं जाता। छोटे छोटे कोने भी साफ। कल ना मैं इंशाल्लाह ये ड्रम वॉश करूंगी, सारा कुछ मैं साफ कर दूंगी कल। चार पहिया तो नहीं वॉश करूंगी, चार पहिया तो गीली होगी तो फिर सोएंगे हम कैसे। इसको सर के बाल इसलिए खड़ा किया जो इसके अंदर थी ना वो गंदम और वो मट्टी वो बाहर फेंक दी, इसको बाहर ले जाके उसको उल्टा कर दिया जान छुड़ाई। फिर क्या करते हम, जाया किए उसको क्योंकि उसमें थे गंदम तो थी लेकिन मिट्टी की वजह से उसको जाया किया। गेट भी गंदा हुआ पड़ा। औच बैठ जाए थोड़ा सा फोन मिलता है बैठ के, बहुत थके पड़े हैं। ये ले आप लोग कहते हैं ना यहाँ स्मेल आती है, ये भी मैंने साफ कर दी। ये कौन सी शर्त वाली बात है, मैथ में करवा दूंगी आपको मैं तो। हाँ तो मैं तो कहती हूँ तुम मैथ मेरे पास किया करो, अच्छे से करके जाया करो। आप कहती मैं करके आई हूँ। ये आजकल के बच्चे भी ना बस मनमानी ही करते हैं।
जब मैं कहती हूँ मेरा मैथ इतना अच्छा भी नहीं, इंग्लिश इतनी अच्छी है, मेरे से कर लिया करो, करना ही नहीं है, टीचरों से मार खा के आ जानी है, लेकिन घर में बैठ के मम्मा से नहीं करना काम। तो यार मैं ना एकेडमी तो नहीं मैं भेज सकती, क्योंकि एकेडमी मैं अफोर्ड ही नहीं करती। और दूसरी बात ये है मैं एकेडमी अफोर्ड ही नहीं करती, दूसरी बात ये है कि मैं क्यों भेजू, जब मैं खुद पढ़ी हुई हूँ, मैं खुद पढ़ा सकती हूँ अपने बच्चों को, तो मैं क्यों भेजू एकेडमी, एकेडमी में क्या करवाते हैं। तो इससे बेहतर है मैं इतना अच्छा खुद करवा लेती हूँ, होमवर्क करवा लेती हूँ, क्लास वर्क सारा कुछ करवा लेती हूँ। माशाल्लाह मैंने इतने सालों टीचिंग की है, मेरा एक्सपीरियंस ही बहुत है टीचिंग की है, इतने सालों में टीचिंग करती रही है। हाँ मैंने चीटिंग की है। वो कौन सी टीचिंग है, चीटिंग है। सफाई मैंने कर ली है, हालांकि मैं थकी बहुत हुई थी, फिर भी मैंने कहा तो सफाई कर लेते हैं, मट्टी वट्टी जो पाँव को लगती है ना बड़ी उलझन सी होती थी, साफ हो गई, सीढ़ी नहीं साफ हुई आपके बैठने की वजह से नहीं हुई, वरना मैंने ये भी वॉश कर देनी थी, ढेरों ढेर इन पे मट्टी है, ये मैं साफ करूंगी। तो व्यूअर्स मैंने आपसे ना जरूरी बात करनी थी, मैंने 10 बार कह चुकी मैंने आपसे जरूरी बात करनी थी, करूंगी आपसे जरूरी बात। सच में ये देखें आज ये तो मुझे लेट होने पर व्यूअर्स मेरा बच्चा अभी तक सोया पड़ा है, ये इसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हमने इसको सुला दिया, अंधेरा काफी हो गया है। तो व्यूअर्स ये जो फैन था हमने न्यू आज ले लिया है, यहाँ पे हम ये वाला फैन लगाया करेंगे, ये देखिए ये हमने न्यू लिया है, और यहाँ वाला जो फैन था वो हमने उठा के बाहर लगा दिया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि रात को सोया नहीं होता बच्चों से, तो मैंने कहा चलो पैसा आनी जानी चीज है, एटलीस्ट बच्चे तो स्कूल से सोएंगे, तो हमने लगा दिया है, ये मेरा बेबी सोया पड़ा है। तो व्यूअर्स मैं कह रही थी मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली थी, तो वो दुख की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैं तकिए के ऊपर बैठी हुई हूँ। तो व्यूअर्स मैं दुख की बात आपसे शेयर करती हूँ, शायद मुझे ना, लेकिन मैंने तो यहाँ बहुत पक्के पक्के हर चीज बना रखी हुई है, मुझे शायद बहुत जल्द ये सिटी छोड़ के चले जाना पड़े, मेरा दिल नहीं चाहता यहाँ छोड़ के जाने को, लेकिन दुनिया बहुत ज्यादा दुश्मन बन चुकी है, अभी तक हमारी वीडियो भी वायरल नहीं हुई, अभी तक हम इस काबिल भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी लोग इतने जालिम है किसी को खाता देख के बर्दाश्त नहीं करते, भूखा देख के देते नहीं है कुछ। चलो अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने इन बच्चों के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, तो इसमें क्या है, वो भी कर लें अगर जिसको जलसी होती है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दुख हो रहा है मुझे, बड़ी तकलीफ से मैं कह रही हूँ आप लोगों के साथ, शायद मुझे ये शहर छोड़ कर जाना पड़ जाए, तो फिर मैं आपको गाना सुनाऊंगी हम तेरा शहर छोड़ जाएंगे। तो व्यूअर्स ये मेरी दुख भरी कहानी थी, ये इतनी सी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी लाइफ में जो कुछ है रियल है, मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया, अगर हम कोई चीज भी लेके आते हैं तब भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ना हमें ये है कि हमने किसी से कुछ लेना है, ना हमें ये है कि कोई हमें कुछ दे, अगर हम कुछ लेना भी चाहते हैं तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, तो वो हमारी हेल्प करता है, जरूर करता है। तो बाकी आप लोगों की सपोर्ट की मुझे जरूरत है, वो वीडियो के थ्रू, आप लोग मुझे वीडियो के थ्रू बस सपोर्ट किया करें, अल्लाह का शुक्र है लाइफ अच्छी गुजर रही है, बस कुछ जरूरतें हैं जो पूरी हो जाती हैं। आज तो सच में मुझे इतनी थकान हुई है, मेरी टांगें दुख रही हैं, आपने यकीन नहीं करना, 1 वीक से तो मैं मुसलसल मेहनत कर रही थी इस गंदम में, आज मैंने 12:30 बजे स्टार्ट किया काम, सर पे धूप थी जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, मैंने इसको छान छान के सारा डाला, तो मेरा दिमाग घूम गया, अब तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, कल वाले चावल पड़े हुए हैं वही गर्म करके खा लेंगे। तो ठीक है यार, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसके साथ ही मुझे इजाजत दे,
टेक केयर, अगर बच्चा सोया पड़ा ये लाफिज नहीं कहता। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बाय बाय।